इन अ क्लास टेस्ट मार्क्स ऑफ बाय 120 हंड्रेड ट्वेंटी स्टूडेंट्स आर गिवन इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इफ इट इज गिवन दैट मीन इज फिफ्टी नाइन फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक्स एंड वाई इस क्वेश्चन में बेटा दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग है कौन सी एक है फिफ्टी टू सिक्सटी क्रॉस बॉन्डिंग वाली और उसको उन्होंने एक्स एज्यूम किया हुआ है और सेकेंड फ्रिक्वेंसी नाइन्टी टू हंड्रेड वाली जिसको वाई एज्यूम किया हुआ है और इस क्वेश्चन में इसके अलावा हमें मीन गिवन है 59 जो यूजुअली हम फाइंड करते हैं लेकिन इस बार मीन हमें 59 गिवन है और टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 120 है यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होंगे बेटा फ्रीक्वेंसी होंगे होगी और उसको हम एफ से डोनेट करते हैं फ्रीक्वेंसी को यानी कि एफ का टोटल कितना है वन समेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू वन तो ये सब हमें गिवन है और हमें फ्रीक्वेंसी एक्स और वाई फाइंड करनी है तो बेटा मीन के थ्री मेथड हो सकते हैं एक है डायरेक्ट मेथड, सेकंड है एज्यूम इन मैथड और थर्ड है स्टेप डेविएशन मेथड। हम बेटा कोई भी एक मेथड यूज़ कर सकते हैं लेकिन एज्यूमिन मेथड यूज़ करना बेटर रहता है क्योंकि इससे कैलकुलेशन जो है हमारी थोड़ी सिंपल हो जाती है तो एज्यूम इन मैथड के केस में मीन का जो फॉमूला रहता है ना बेटा होता है मीन इज इक्वल टू एज्यूम इन एज्यूम मीन ए ये कैसे निकालते हैं मैं एक्सप्लेन करूँगा प्लस सम्मीशन ऑफ एफ आई डी आई एफ आई आपको पता है फ्रीकुेंसी और डी आई मीन्स डेविएशन फ्राम एज्यूम मीन ये भी मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा कैसे फाइंड करना है अपॉन समीशन ऑफ एफ आई तो इसको कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को बेटा अब देखो बेटा हमें दिए हैं मार्क्स ज़ीरो टू टेन टेन टू ट्वेंटी ट्वेंटी टू थर्टी एंड सो ऑन और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं लेकिन इसमें बेटा दो फ्रीक्वेंसी एक्स और वाई मिसिंग है यानी कि टू वेरिएबल्स हमें फाइंड करने हैं तो इस क्वेश्चन में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फॉर्म होएगी कि दो वेरिएबल फाइंड करने हैं इसलिए ठीक है तो फर्स्ट इक्वेशन कैसे फॉर्म होएगी ध्यान से समझना फर्स्ट इक्वेशन तो बेटा हमारी एफ आई के कॉलम से आएगी एफ आई का टोटल हमें कितना दिया है वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी और इसको इन सब का टोटल जो है ऐड करके किसके इक्वल आएगा वन ट्वेंटी के तो आप एफ आई के जो कॉलम को हम कैसे ऐड करेंगे ध्यान से समझना इसमें क्योंकि दो वेरिएबल वेरिएबल्स भी हैं एक वेरिएबल एक्स है एक वाई है, है सबसे पहले बेटा आप वेरिएबल वाली टर्म को लिख लो दोनों एक्स प्लस वाई फाइन अब जो कॉन्स्टेंट टर्म्स हैं उनको ऐड करो लाइक वन प्लस थ्री फोर फोर प्लस सेवन इलेवन इलेवन प्लस टेन ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन प्लस फिफ्टीन थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स प्लस नाइन फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव प्लस ट्वेंटी सेवन सेवेंटी टू और सेवेंटी टू प्लस एटीन नाइन्टी तो कांस्टेंट टर्म का टोटल नाइन्टी हो गया यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस नाइन्टी इज इक्वल टू वन हंड्रेड ट्वेंटी हो जाएगा फाइन अब बेटा अब एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या रहेगी 120 हंड्रेड ट्वेंटी माइनस नाइन्टी डैट मीन्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन ट्वेंटी में से अगर नाइन्टी सप्रेक्ट करते हैं तो आंसर थर्टी आता है तो इसे हम इक्वेशन वन कंसीडर कर लेंगे अब सेकेंड इक्वेशन किससे बनेगी बेटा मीन के फॉर्मूला से लेकिन मीन का फॉर्मूला जैसे कि मैंने बताया हमें ज्यू मीन पता होना चाहिए इसमें समीशन ऑफ एफ आई डी आई होना चाहिए समीशन ऑफ एफ आई नॉन होना चाहिए समीशन ऑफ एफ आई तो हमें नोन है वन ट्वेंटी अब हमें समीशन ऑफ एफ आई डी आई चाहिए और मीन की वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में गिवन है फिफ्टी नाइन वो भी हम डाल लेंगे लेकिन पहले हम समीशन ऑफ एफ आई डी आई निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे ध्यान से समझना तो इसके लिए पहले सबसे पहले हम एक्स आई का कॉलम फिल करेंगे अब एक्स आई कैसे निकालते हैं बेटा ध्यान से समझना एक्स आई मीन क्लास मार्क जो कि आप बेटा क्लास मार्क क्लास मार्क आप क्लास नाइन्थ में कर चुके हो क्लास मार्क को अदर नेम होता है मिड वैल्यू या मिड पॉइंट कह लो ओके okay? और इसका फॉर्मूला रहता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपऑन टू जैसे कि फर्स्ट क्लास इंटरवल जीरो टू टेन है इसमें लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट टेन तो ज़ीरो प्लस टेन अपॉन टू कर लेंगे और जीरो प्लस टेन टेन होता है टेन डिवाइड बाई टू फाइव तो क्लास मार्क फर्स्ट क्लास इंटरवल के लिए क्लास मार्क फाइव आ गया यानी एक्स आई फाइव हो गया अब सेकंड क्लास इंटरवल का निकालो टेन प्लस ट्वेंटी थर्टी थर्टी डिवाइड बाई टू फिफ्टीन सिमिलरली ट्वेंटी प्लस थर्टी फिफ्टी फिफ्टी डिवाइड बाई टू ट्वेंटी फाइव बेटा एक पैटर्न ऑब्जर्व करो सब में टेन टेन का डिफ्रेंस आ रहा है और ये टेन का डिफरेंस क्यों आ रहा है क्योंकि जो क्लास साइज है लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में हर एक क्लास इंटरवल में टेन टेन का डिफरेंस है टेन का डिफरेंस है देखो तो इसलिए बेटा जो क्लास क्लास मार्क है ना ये भी टेन टेन के इंटरवल में इंक्रीज होगा ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव के बाद थर्टी फाइव आएगा टेन बढ़ के फोर्टी फाइव आप ऐसे भी चेक कर सकते हो जैसे फोर्टी प्लस फिफ्टी नाइन्टी नाइन्टी डिवाइड बाई टू फोर्टी फाइव किसी का भी चेक कर सकते हो ऐसे फिफ्टी फाइव सिक्सटी फाइव सेवेंटी फाइव 85 और 95। अब बेटा डी आई कैसे फाइंड होगा ये ध्यान से समझना डी आई फाइंड करने के लिए पहले हमें एज्यूम पता होना चाहिए अज्यूम क्या होता है बेटा जैसे कि हमारे पास एक्स आई के कॉलम में जो मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होगी ना उसको हम एज्यूमिन कंसीडर कर लेंगे ओके वैसे तो हम कोई भी कर सकते हैं लेकिन बेटर होता है कि मिडल मोस्ट लेना उससे क्वेश्चन थोड़ा ईजी हो जाता है तो इसमें मिडल मोस्ट में हमारे पास दो ऑब्जर्वेशन आ रही है फोर्टी फाइव और फिफ्टी फाइव तो हम दोनों में से कोई एक वैल्यू एज्यूम कर लेंगे एज अज्यूम मीन मान लेंगे उसको तो मैं फोर्टी फाइव को एज्यूम मीन ले रहा हूँ फाइन किसी से कोई भी आप ऑब्जर्वेशन लोगे उससे एज्यूमीन किसी को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं आंसर सेम आएगा ठीक है बेटा तो ये अज्यूम मीन कितना हो गया हमारा फोर्टी फाइव यानी कि ए की वैल्यू जो फॉर्मूला में ए था वो इज इक्वल टू फोर्टी फाइव रहेगा उसकी वैल्यू अब डी आई कैसे फाइंड करते हैं ये ध्यान से समझना बच्चा डी आई फाइंड करने के लिए हमें एक्स आई माइनस ए करना होगा डी आई इज इक्वल टू याद रखना बच्चे एक्स आई माइनस ए एक्स आई माइनस ज्यूम जैसे कि अब इधर फाइव एक्स आई फाइव है और ए फोर्टी फाइव है तो फाइव माइनस फोर्टी फाइव करो अब प्लस माइनस माइनस फोर्टी फाइव में से फाइव गए कितना आएगा बेटा फोर्टी और साइन ग्रेटर का माइनस फोर्टी तो माइनस फोर्टी हो गया अब ऐसे ही फिफ्टीन माइनस फोर्टी फाइव प्लस माइनस माइनस फोर्टी फाइव में से फिफ्टीन गए थर्टी साइन ग्रेटर का माइनस थर्टी ओके ऐसे ही ट्वेंटी फाइव में से फोर्टी फाइव माइनस करोगे तो माइनस ट्वेंटी आएगा देन थर्टी फाइव माइनस फोर्टी फाइव माइनस टेन अब इधर ध्यान देना बेटा फोर्टी फाइव के लिए डी आई कैसे निकलेगा अब इधर एक्स आई फोर्टी फाइव है और एज्यूमीन भी फोर्टी फाइव है ए भी फोर्टी फाइव है अब फोर्टी फाइव माइनस फोर्टी फाइव कितना होगा जीरो तो यानी कि यहाँ पर जीरो आ जाएगा डेविशन फ्रॉम द एज्यूमीन जीरो हो गया अब इसके आगे कैसे करेंगे ये भी ध्यान से समझना बच्चे अब आगे करने के लिए बेटा अब फिफ्टी फाइव एक्स आई है अब जो एक्स आई है एज्यूमीन से ग्रेटर है देखो फिफ्टी फाइव माइनस फोर्टी फाइव फिफ्टी फाइव माइनस फोर्टी फाइव कितना रहेगा प्लस टेन साइन ग्रेट अगर डाले तो यहाँ टेन आ जाएगा अब सिक्सटी फाइव माइनस फोर्टी फाइव प्लस ट्वेंटी सेवेंटी फाइव माइनस फोर्टी फाइव थर्टी एटी फाइव माइनस फोर्टी फाइव फोर्टी नाइन्टी फाइव माइनस फोर्टी फाइव फिफ्टी फाइन तो ये हमारा डी आई का कॉलम आ गया इस तरह से ओके नाओ नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा ध्यान समझना एफ आई मल्टीप्लाई डी आई एफ आई एफ आई वाले कॉलम को डी आई वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कराना है देखो बेटा वन मल्टीप्लाई माइनस फोर्टी माइनस फोर्टी होगा ओके थ्री मल्टीप्लाई माइनस थर्टी माइनस नाइन्टी सेवन मल्टीप्लाई माइनस ट्वेंटी माइनस वन हंड्रेड फोर्टी टेन मल्टीप्लाई माइनस टेन माइनस वन हंड्रेड और फिफ्टीन मल्टीप्लाई ज़ीरो एनी नंबर मल्टीप्लाई जीरो क्या होता है बेटा ज़ीरो ही होता है अब एक्स मल्टीप्लाई टेन टेन को अगर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम टेन एक्स लिखेंगे ओके okay? अब नाइन मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी वन एट्टी ट्वेंटी सेवन मल्टीप्लाई बाय थर्टी एट हंड्रेड एंड टेन एटीन मल्टीप्लाई बाय फोर्टी पहले एक ज़ीरो डाल दो एटीन फोर दा कर लो सेवेंटी 72. टू तो सेवन हंड्रेड ट्वेंटी हो जाएगा और y इंटू फिफ्टी फिफ्टी वाई ओके अब समी हमें a पता चल गया 45 फाइव मीन तो हमें गिवन है क्वेश्चन में 59 नाइन ऑलरेडी गिवन है और एफ आई का टोटल भी है लेकिन एफ आई डी आई का टोटल नहीं है तो हम पहले एफ आई डी आई का टोटल करेंगे तो इसमें ध्यान से समझना बेटा पहले इसमें बेटा अगेन वेरिएबल वाली टर्म्स कौन सी हैं टेन एक्स और फिफ्टी वाई इन दोनों को लिख लो टेन एक्स प्लस फिफ्टी वाई ओके दोनों लिख लिए अब नेक्स्ट स्टेप होगा पहले आप नेगेटिव नंबर वाले का टोटल करो जितने भी नेगेटिव नंबर है ना ऑब्जर्वेशन है उनका टोटल करो तो ये माइनस वन थर्टी माइनस वन थर्टी और वन वन थर्टी में वन फोर्टी एड करो टू सेवेंटी थ्री तो नेगेटिव नंबर का टोटल माइनस थ्री हंड्रेड सेवेंटी आ रहा है ओके okay? फॉर पॉजिटिव नंबर का भी करो लेकिन इसमें बेटा पॉजिटिव नंबर में वेरिएबल वाली टर्म मत लेना देखो क्या होगा 180 लिख के कर लेते हैं टोटल प्लस 810 प्लस 720 0 जीरो टेन इलेवन वन सेवन वन जीरो और वन सेवन वन जीरो माइनस 370 करें प्लस माइनस माइनस होगा देखो क्या आता है जीरो इलेवन माइनस सेवन फोर सेवन से पहले सिक्स थ्री और वन थ्री फोर ज़ीरो और साइन पॉजिटिव आएगा क्योंकि पॉजिटिव वाले नंबर का टोटल ज़्यादा आया है जिसका टोटल ज़्यादा आएगा नेगेटिव का टोटल ज़्यादा था तो माइनस का साइन आता अब पॉजिटिव का टोटल ज़्यादा आया तो प्लस का साइन आएगा तो प्लस वन थ्री फाइव वन थ्री फोर ज़ीरो टोटल हो गया समीशन ऑफ एफ आई डी आई ओके समीशन ऑफ एफ आई डी आई अब ये वैल्यू बेटा आप सब्स्टिट्यूट करोगे मीन के फॉर्मूला में अब मीन कितना है फिफ्टी नाइन मीन हमने क्या लिया था फोर्टी फाइव और समिशन ऑफ एफ आई डी आई टेन एक्स प्लस फिफ्टी वाई प्लस वन थ्री फोर जीरो ओके अपॉन, वन 120 ट्वेंटी समीशन ऑफ एफ फाइव वन हंड्रेड ट्वेंटी दिया हुआ है ओके okay, फाइन अब नेक्स्ट स्टेप होगा फिफ्टी नाइन जो 45 फाइव है इसको फिफ्टी नाइन के साथ शिफ्ट कर दो फिफ्टी नाइन माइनस फोर्टी फाइव इज इक्वल टू क्या होगा टेन एक्स प्लस फिफ्टी वाई प्लस वन अपॉन 120. अब बेटा 49, नाइन फिफ्टी नाइन होता है और इसमें से बेटा क्या कॉमन आ रहा है देखो 10x, एक्स फिफ्टी वाई और वन थ्री फोर जीरो में टेन कॉमन है तो टेन कॉमन लेके हम वन ट्वेंटी से कट कर सकते हैं तो x प्लस फाइव वाई प्लस वन थ्री फोर जीरो वन थ्री फोर यू जीरो तो बेटा बाहर आ गया टेन कॉमन ले लिये ना अपॉन वन हंड्रेड ट्वेंटी ये ये कट हो गया अब वन ट्वेंटी अब नेक्स्ट स्टेप होगा क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई फोर्टीन इंटू ट्वेल्व करेंगे वी विल डू फोर्टीन मल्टीप्लाई बाय ट्वेल्व और फोर्टीन मल्टीप्लाई ट्वेल्व होगा वन हंड्रेड सिक्सटी एट ओके तो और इसके नीचे वन लगा लो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए पहले हम वाली टर्म ले लेते हैं एलएचएस में वो बेटर रहेगा बेटा अब एक्स प्लस वाई वन इंटू दिस होल टर्म वन मल्टीप्लाई एनी नंबर इज नंबर इट सेल्फ ये पूरी इक्वेशन एज इट इज आ जाएगी एक्स प्लस वाई फाइव वाई प्लस वन हंड्रेड एंड थर्टी फोर इज इक्वल टू ट्वेल्व इंटू फोर्टीन इंटू ट्वेल्व वन हंड्रेड एंड सिक्सटी एट होता है फाइन अब आगे करते हैं इस क्वेश्चन को बेटा थोड़ी स्पेस बना लेते हैं अब x प्लस फाइव वाई इज इक्वल टू वन सिक्सटी माइ ये प्लस वन थ्री फोर उधर जाके माइनस वन थ्री फोर हो जाएगा और x प्लस फाइव वाई इज इक्वल टू वन हंड्रेड थर्टी वन हंड्रेड सिक्सटी में से अगर हम वन हंड्रेड थर्टी फोर माइनस करते हैं तो हमारे पास थर्टी फोर आता है तो ये है हमारी इक्वेशन टू आ गई अब इन दोनों इक्वेशन को हम जो इक्वेशन वन थी एक्स प्लस वाई इजल टू थर्टी और सेकंड इक्वेशन एक्स प्लस फाइव वाई इजल टू थर्टी फोर इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे इसमें बेटा ध्यान से ऑब्जर्व करो कॉफिशियंट ऑफ एक्स सेम है तो इसको हम डायरेक्टली विदाउट मल्टीप्लाइंग कि कॉफिशियन सेम करने की हमें जरूरत नहीं है जैसे कि हम एलिमिनेशन मैथड में करते हैं तो हम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं तो देखो बच्चे कैसे लिखेंगे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू थर्टी पहले ये लिख लो फर्स्ट इक्वेशन और उसके नीचे लिख लो सेकेंड इक्वेशन एक्स प्लस फाइव वाई इज इक्वल टू थर्टी फोर अब आगे इसको सॉल्व करते हैं बेटा ध्यान से समझना कैसे होगा ये अब ये प्लस दोनों सेम साइन है तो यहाँ साइन चेंज होंगे सेकेंड इक्वेशन के यहाँ प्लस का माइनस हो गया यहां भी प्लस का माइनस होगा यहाँ पर भी माइनस का साइन आएगा अब सी बेटा प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया अब माइनस फाइव वाई और इस वाई के आगे कुछ भी नहीं है तो वन का साइन है वन होगा प्लस माइनस माइनस फाइव माइनस वन फोर फोर वाई और साइन ग्रेटर का कि फाइव ग्रेटर तो माइनस फोर वाई हो जाएगा इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस थर्टी फोर में से थर्टी माइनस करो तो फोर आता है अगेन साइन ग्रेटर का माइनस फोर अब वाई की वैल्यू क्या रहेगी बेटा वाई इज इक्वल टू माइनस फोर अपॉन माइनस फोर क्योंकि इधर माइनस फोर वाई मल्टीप्लाई हो रहा था वाई के साथ माइनस फोर जो था माइनस फोर मल्टीप्लाई बाय वाई था तो इधर क्या होगा ये माइनस फोर डिवाइजर में आ जाएगा यानी कि माइनस फोर डिवाइडेड बाई माइनस फोर हो जाएगा और इसको कट या तो माइनस माइनस कट कर दो फिर फोर और फोर कट करके वाई की वैल्यू हमारी वन आ गई अब हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं एक्स की वैल्यू निकालने के लिए बेटा या तो इक्वेशन वन में वैल्यू डाल दो वाई की या इक्वेशन टू में इक्वेशन वन में डालना थोड़ा तो इजी है क्योंकि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हमें कितना दिया है बेटा थर्टी दिया है ना तो एक्स को ऐसे रहने दो प्लस वन वाई की जगह वन डाल दिया इज इक्वल टू थर्टी तो एक्स इज इक्वल टू थर्टी प्लस वन इधर जाके माइनस वन हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी नाइन तो एक्स की वैल्यू ट्वेंटी नाइन आ गई और वाई की वैल्यू वन आ गई तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड कर ली एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी नाइन and y is equal to 1.